हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर न्यूज़ एक वीडियो लेके आ गई। आज जो वीडियो लेके आई हूँ उसका जो टॉपिक है वो है हेयर फॉल। हेयर फॉल हम घर में रेगुलर केयर के साथ हम कैसे कैसे डेली रूटीन के साथ हम हमारे हेयर फॉलिंग कम कर सकते हैं, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक चीज़ और भी है जो हम एक चीज़ भूल जाते हैं, जो अभी जो समर सीजन आ रही है, हम डेली केयर में रेगुलर एक चीज़ ध्यान में रखना, जो हमको हेड वॉश करना ज़रूरी है, चाहे वो सुबह करो चाहे वो शाम को करो। आप फ्री होने के बाद जैसे ऑफिस से कोई बाहर से आते तो जो हम बाहर जाते हो सके तो बहुत ज़्यादा गर्मी में तो रेगुलर हेड वॉश बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलर ना भी कर पाओ तो एक दिन छोड़ छोड़ के हेड वॉश ज़रूर करो, क्योंकि हेड वॉश में ये होता है हमारे स्कैल्प में जो बाहर का जो धूल मिट्टी बैठ जाती है उसके ऊपर हम कुछ भी लगाए तो उसमें कोई असर नहीं होने वाला है। हमेशा कुछ भी पैक लगाओ, ऑयलिंग करो, कुछ भी करो, बाल हमेशा क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि स्कैल्प में भी हम कुछ अंदर ऑयल भी डालेंगे तो स्कैल्प का जो पोर्स है वो ओपन होना चाहिए। अगर उसके अंदर धूल मिट्टी या कुछ भी डैंड्रफ बैठी हुई हो, अगर आप ऊपर से लगाओगे तो बस ऊपर ऊपर का ही होगा, अंदर से वो हम बाहर से चाहे वो ऑयल अप्लाई करें चाहे पैक अप्लाई करें उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, मैं कुछ भी अगर पैक भी बताऊँ या ऑयल ही बताऊँ, हमेशा क्लीन हेयर में ज़रूर करो। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है जो मैं बहुत एक सिंपल चीज़ हो, कपूर हमारे स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हेयर के लिए भी है, क्योंकि ये जो फंगस इन्फेक्शन वगैरह डैंड्रफ वगैरह आती है हमारे स्कैल्प में, कई बार देखना गर्मी के सीज़न में छोटे छोटे रैसेस हो जाती है स्कैल्प में, तो छोटे बच्चों को भी होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, बुज़ुर्गों को भी जो एजेड हो जाती है उनको भी होते हैं। तो हमारे स्कैल्प के अंदर वो क्या होती है ना, बाहर का जो डस्ट है वो स्कैल्प में बैठ जाती है, उसके बाद हमारा जो अंदर का जो ऑयल है कुछ है, वो सिक्रेट नहीं कर पाते, तो उसके अंदर ही छोटे छोटे पिंपल्स जैसे बन जाते हैं। जब हमारे फेस में होते हैं, अगर फेस हम डेली रूटीन में क्लीन ना करें तो हमारे फेस में भी जैसे गंदगी होके वो रैसेस या पिंपल्स एक्नेस वगैरह आ जाती है, हमारे स्कैल्प में भी सेम होती है। तो चलो आज की वीडियो में मैं वही दिखाने वाली हूँ जो हम पूरा नीट एंड क्लीन हेयर, मतलब एकदम क्लीन हेयर में मैं एक सिंपल प्रोसेस में रेगुलर केयर कैसे कर रही हूँ अपने बालों का, तो वही मैं चीज़ आपको दिखा रही हूँ। और चीज़ एक बताना चाहूँगी, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग मेरे लिए आप लोगों का लाइक और शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, जो सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए बहुत थैंक्स, और जो नहीं किया है प्लीज़ कर दो, क्योंकि फिर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरे और चैनल को ग्रोथ बढ़ेगी और मेरे को और वीडियो लाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। आप देख ही रहे मेरे इस के लिए चाहिए मुझे कपूर, ऑयल और नींबू। पहले मैंने ये एक ही अंडे लिया, जिसका बाल ज़्यादा है तो दो अंडे ले लेना। अंडे के साथ मैंने नींबू का रस मिला लूँगी तो इसके लिए अंडे का जो स्मेल है वो चली जाएगी। ये करके मैंने साइड में रख लूँगी, अंडे का रस मैंने इसके अंडे के साथ ये नींबू का रस मैंने निचोड़ के इसके ले लिया, तो हाई प्रोटीन रहता है। और नींबू हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा सिल्की करने में, और डैंड्रफ भी होगा तो वो भी इसी के थ्रू निकल जाती है। तो और इसमें अंडे के प्रोटीन होने के कारण हमारे बालों को तो मजबूत तो करती है और बालों में शाइनिंग भी लाती है, तो हम डेली केयर में ये रख ही सकते हैं। अब मैं इसके साथ, पहले हमें ऑयलिंग करना है बालों को अच्छे से, तो मैं नारियल का तेल उसमें कपूर डाल के थोड़ा सा इसको गरम कर लूँगी। गरम करने से ये बिल्कुल कपूर इसके अंदर गल जाएगी। ये देखो ये पूरा मेल्ट हो गया, इसके अंदर मैं हाथों से ऐसे ऐसे कर लिया। फिर मैंने इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करने के बाद
पूरा स्कैल्प में मैं एकदम पार्ट पार्ट करके मैं कैसे लगा रही हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो मैं अपनी बेटी का ऐसे ऐसे पार्ट कर लिया, तो ऐसे करके हर एक पार्टीशन में मैं करके ऐसे ऐसे करके मैंने पूरे बालों में ऐसे लगा लूँगी। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, हर एक पार्ट करके जैसे मैंने स्कैल्प पे लगाना है वैसे सेम प्रोसेस में हमारे पूरे बालों में, मतलब बालों की लेंथ में भी बिल्कुल देना है। जो इसमें अगर बाल एकदम से ड्राई हो जाते, बेजन से हो जाते, सूखे हो जाते, तो इसमें बहुत अच्छे फ़ायदेमंद हुआ है। ये जो कपूर वाला ऑयल है ना, इसमें बहुत जल्दी अगर किसी के स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हुए तो ये रेगुलर अगर यूज़ करोगे, कल रात को लगाने के बाद छोड़ दोगे और दिन में हेडवाश कर लोगे, आप देखना जितने बहुतों को होता है जो इचिंग प्रॉब्लम होती है स्कैल्प में, अचानक बहुत इचिंग होती है, तो उसी के लिए भी ये वाला कपूर का ऑयल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक चीज़ मैं बताऊंगी, जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उसके बालों में चूहे वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो चूहे की प्रॉब्लम के लिए भी अगर बाहर का कोई केमिकल्स ना यूज़ करके हम रेगुलर बच्चों को बालों में ये लगाएंगे तो बाहर से कोई भी चूहे वगैरह बालों में आ नहीं पाएगी। तो इसमें डबल बेनिफिट है, एक तो हमारे बाल को अच्छे रखती है, हमारे स्कैल्प को स्वस्थ रखती है, जो कोई भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह डैंड्रफ वगैरह हो नहीं पाएगी, और बिल्कुल बाहर जब जाती है बच्चे स्कूल में जाती है तो ये हमारे मम्मियों को जो टेंशन रहती है जूहे वगैरह की, उससे भी हमको मिल जाएगी राहत। तो देख ही रहे हो हम बालों के लेंथ तक बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर रहे हैं। अगर हो सके तो ये ऑयल एक दिन पहले धुले बालों में रख के दूसरे दिन अगर आप हो सके तो पैक लगाओ तो बहुत अच्छा होता है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो इसके साथ साथ ही हम आपको पैक भी लगाना दिखा देंगे, जो कैसे पूरे बालों में अच्छे से मसाज करने के बाद ही इसको छोड़ना, क्योंकि ये मसाज करके ये बालों में तेल अंदर चले, जो ऑयल है ये बिल्कुल अंदर चली जाती है और बहुत अच्छा आराम भी मिलते हैं, बहुत नहाने के बाद देखते हैं एकदम रिलैक्स फील होती है। इसमें मेरे बालों में ऑयलिंग करना हो गया, मैंने लेंथ पे भी लगा लिया। आप में ये जो मैंने पहले से अंडे और नींबू के एक साथ मिला के अच्छे से रखा है, ये पूरे स्कैल्प से लेके पूरा बालों के लेंथ तक अच्छे से मैंने लगा लूँगी। आप एक करके देखना, जिस बालों में बहुत अच्छे से शाइनिंग भी आएगी। ये सब चीज़ करने में मेरे बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं फिर भी आज ज़बरदस्त उसको बिठाया, क्योंकि अभी इसको भी ईयर बड़ी हो रही है तो इसको थोड़ा सा सिर्फ ऑयलिंग नहीं, थोड़ा पैक लगाना भी ज़रूरी है, तो फिर बाल अच्छी भी होगी। तो देखो आप देख ही रहे हो मैं उसको लगा रही हूँ, वो साथ में अपनी फ़ोन लेके बैठी हुई है, वो अपना कुछ ना कुछ देख ही जा रही है। फिर भी अगर ऐसे करते हुए भी मेरे को अपना काम करने दे, यही मेरे लिए बहुत है। तो बच्चे के आपको पता ही है, बच्चों को कुछ करके, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी थोड़ा हो, तो उसको बिठा के कुछ करवाना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर भी मैंने ऐसे करके उसको, छुट्टी वाला दिन था तो संडे के दिन है, छुट्टी वाला दिन है, तो इसको मैंने सोचा यही किया है जो हम कर पाएंगे, नहीं तो अभी एग्ज़ाम के टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलती इसको कुछ करने के लिए। तो थोड़ा सा क्योंकि बाहर जाती है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और के कारण बाल ड्राई होते जा रहे हैं, इसका बाल बहुत ज़्यादा सुंदर और सिल्की है, बट ये अभी इतना बाहर निकलती है तो इसका बाल भी थोड़ा, देखो मेरा लगाना लगभग कंप्लीट हो गई, कैसे करके मैंने ट्राई कर दिया।